हेलो एवरीवन, आई एम योर विक्की सर। कैसे हैं आप सभी? तो आइए हम अपने दूसरे सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमने पहले सेशन में जितने भी वर्ड हमने किए थे, क्या आपको याद हैं? तो बहुत अच्छे से आपको याद जरूर हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा सेशन है, ये पहले सेशन को ही उस पर ही बेस्ड है, ठीक है। पहले सेशन में हमने सिर्फ वर्ड की बात की। अब दूसरा सेशन जो है, इसमें हम उस रूट वर्ड की बात करेंगे जिस पर वो सारे जो पहले सेशन में हमने 10 वर्ड पढ़े थे वो उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो पहला हमारा रूट वर्ड है क्या? ईगो। हमने बात किया था कल ईगो। ईगो मीन्स क्या होता है? आई। जब भी कभी हम अपने बारे में ही सोचते हैं, इसका मतलब वो क्या होता है? वहां पे कोई ना कोई ईगो काम कर रहा है आपका, ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है? आई। बात कर लेते हैं पहले वर्ड की, ईगो सेंट्रिक। हमने ये वर्ड पढ़ा था, ठीक है। ये है एक एडजेक्टिव, ईगो प्लस सेंट्रिक प्लस आईसी। आईसी जानते हैं, ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए जब हम इटिमोलॉजी को बेस करके हम वर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये आईसी, ये किसको इंडिकेट करता है कि वो जो वर्ड है जिसमें आईसी लगा हुआ है, इक इक जिसको हम बोलते हैं ना ईगो सेंट्रिक, वो क्या है? वो एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये वर्ड फॉर्म कैसे हुआ? ईगो प्लस सेंटर। ईगो मीन्स क्या होता है? आई। और सेंटर मीन्स क्या होता है? मतलब केंद्र, जहां कोई भी आदमी जो सोच रहा है अपने आप को ही केंद्र मान के, मतलब जितनी भी चीजें कर रहा है वो सिर्फ हर चीज में सेंटर पॉइंट क्या है? वही आदमी खुद है। तो वो क्या है? वो ईगो सेंट्रिक है, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या होगी? कंसर्न विद द इंडिविजुअल रैदर देन सोसाइटी। कोई ऐसा आदमी जो चिंतित रहता हो हमेशा, मतलब सोसाइटी की अपेक्षा वो अपने बारे में ही, मतलब वो किसी और के बारे में ना सोचे, वो अपने बारे में सोच सोच के वो परेशान रहे या खुश होता रहे या कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ईगो सेंट्रिक। सेंटेंस यूज कर लेते हैं, टूडे वी कैन सी ईगो सेंट्रिक थिंग्स, यहाँ पे थिंग्स होना चाहिए, इन न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन आजकल की फैमिली में क्या होता है कि हम दो और हमारे दो, मतलब वो जो एक ज्वाइंट फैमिली वाला पहले वाला जो एक कस्टम था उससे बहुत लोग दूर जा रहे हैं। मतलब सब लोग क्या होते जा रहे हैं कि सिर्फ आई, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मतलब एक हमारी फैमिली होनी चाहिए, हमारी अपनी फैमिली बस। अब चाहे चाचा हो या बड़े पापा हो, वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं रह जाते हैं कुछ दिनों के बाद, ठीक है। बट ऐसा पहले नहीं था, अब ऐसा होने लगा है। तो वही हम कह सकते हैं, टूडे वी कैन सी ईगो सेंट्रिक थिंग इन न्यू जनरेशन। ओके, आई होप कि आपको वर्ड समझ में आ रहे होंगे। ईगो मैनियक, तो इसमें भी रूट वर्ड ईगो ही है। और इसमें एक रूट वर्ड और सफिक्स किया गया है, मीनिया। मीनिया मीन्स हम जानते हैं, मीनिया मीन्स क्या होता है? पागलपन। मतलब कोई इतना ज्यादा पागल रहे अपने बारे में सोच सोच के, या अपने बारे में जो इतना सोचे कि मतलब एकदम पागलपन की हद कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? ईगो मैनियक, ठीक है ना। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? द क्वालिटी और स्टेट बींग एक्सट्रीमली ईगो सेंट्रिक। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि एक कोई ऐसा आदमी या कोई एक ऐसा स्टेट जिसमें अपने बारे में ही सोचा जाए, और इतना सोचा जाए, इतना सोचा जाए कि मतलब एक होता है ना कि हम हंसते रहते हैं, फिर कुछ देर बाद फिर हम और हंसते रहते हैं, फिर कुछ देर बाद हम हंसते रहते हैं, तो आदमी क्या बोल देता है कि पागल हो क्या? मतलब अगर आप हंसते ही रहते हैं तो उसी पे बेस्ड है। अगर आप अपने बारे में सोचते ही रहते हैं, सोचते रहते हो, एक एक ऐसा पीक पॉइंट आएगा तो आदमी आपको बोल ही देगा कि पागल हो गए हो क्या। तो बिल्कुल वही पागलपन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ईगो मैनिक, ठीक है। ओके, और ये जो ईगो मैनिक है, ये है एक नाउन, ये बहुत जानना जरूरी है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल। अच्छा, ईगो मैनिकल, ये बिल्कुल ईगो मैनिक ही है। और ईगो मैनिकल जहां भी सी एल लग जाता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल हम सबको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक इंडिविजुअल वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि लास्ट में कुछ चीजें जो सफिक्स होती हैं वो क्या बनाती है। जैसे नेस, अगर लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर नेस आ गया, नेस अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में नेस लग जाता है तो वो नाउन ही होता है। तो मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इसे सेंटेंस देख लेते हैं। रमेश ऑलवेज टॉक्स ऑलवेज अबाउट हिमसेल्फ। एक सेकेंड, इसको मैं क्लियर करता हूं, मैं फिर से पढ़ता हूं। रमेश ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ इवन ड्यूरिंग बाथ एंड ईटिंग। रमेश अपने बारे में ही बात करता रहता है, यहां तक कि दौरान बाथ और ईटिंग, मतलब वो अगर वो नहा रहा है, अगर वो खाना खा रहा है, वो फिर भी अपने बारे में बात करता था। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ईगो मैन, मतलब वो अपने को लेकर मतलब बिल्कुल पागल है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ईगो सेंट्रिक, ईगो मैनियक, कि
कि वो अपने बारे में ही बात करते रहते हैं, ठीक है, मैं ये हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं कल पीएम से हाथ मिलाने ही वाला था लेकिन वो मेरे पापा ने फोन कर दिया तो मैं वापस आ गया, तो मतलब समथिंग लाइक दिस। ओके, तो हमारा नेक्स्ट रूड वर्ड है, क्या है? अल्टर, ALTER, स्पेलिंग लिखी हुई है। अल्टर मीन्स क्या होता है? अदर। खूब ध्यान से देखना है चीजों को, बस देखते रहिए आपको चीजें, मतलब वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मल लुइस, मतलब इतनी बेहतरीन बुक है। अगर हम इसको पढ़ भी लेते हैं, अगर आप बुक नहीं भी पढ़ते हैं, इस वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, तो आपके लगभग 20,000 वर्ड, यस आई एम नॉट जोकिंग, 20,000 वर्ड आपको तैयार होने वाले हैं 120 लेक्चर में, मतलब इससे ज्यादा, इससे कम नहीं। तो कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा सपोज कर सकते हैं कि कोई भी एग्जाम होगा, SSC या UPSC, मतलब किसी भी लेवल तक का एग्जाम होगा, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो आइए हम बात कर लेते हैं अल्टर। अल्टर मीन्स क्या हो जाएगा? होता है अदर। तो हमारा फोर्थ वर्ड है अल्टरिज्म। ISM जहां भी लग जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ISM जहां भी लग जाता है उसका मतलब होता है नाउन, और उसका भी और मतलब होता है वाद। जहां भी लग गया वाद, जैसे आदर्शवाद, ठीक है ना, प्रकृतिवाद, तो यहाँ पे भी अल्ट्रिज्म है, तो परोपकारिता, मतलब परोपकारीवाद, ये जब भी मतलब इस प्रकार के जो भी वर्ड है, ठीक है, अल्ट्रिज्म, अल्टर प्लस ISM, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? डिवोशन टू वेलफेयर ऑफ अदर हु सपोर्ट अदर, मतलब जो दूसरों, अपनी जो लाइफ है दूसरों को डिवोट कर दे, दूसरों को बिल्कुल न्योछावर कर दे, हमेशा दूसरे के बारे, दूसरों के वेलफेयर के बारे में, अच्छाई के बारे में सोचता रहे, उसी को, उसी वाद को क्या बोलते हैं हम? अल्ट्रिज्म बोलते हैं, परोपकारिता बोलते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस की बात किया जाए तो हमने सेंटेंस कल पढ़ चुके, हाँ हम लोग सेंटेंस कल इसको पढ़ चुके थे, आज हम सिर्फ रूट वर्ड से देख रहे हैं, और कोई बात नहीं, हम सेंटेंस फिर से देख लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ अल्ट्रिज्म इज एडमायर्ड इन एवरी इरा, जो ये परोपकारिता है, इसकी जो गुण है, ये सारे गुण में, मतलब सारे युग में क्या किए जाते हैं, ये एडमायर किए जाते हैं, ठीक है। हमारा पांचवा वर्ड है अल्ट्रिस्टिक, ये भी अल्टर ही है, वही वही वाला वर्ड है अल्ट्रिस्टिक, मतलब ये एडजेक्टिव हो जाएगा सेंटेंस यूज में, हम देख लेते हैं, ये अल्ट्रिज्म ही है, अल्ट्रिज्म का ये एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिज्म हो जाएगी परोपकारिता, और अल्ट्रिज्म अल्ट्रिस्टिक क्या हो जाएगा? परोपकारी। ओके, मतलब जो आदमी परोपकार करे उसी को क्या बोल जाएंगे, बोलेंगे हम अल्ट्रिस्टिक, ठीक है। विद एन अल्ट्रिस्टिक इमेज कर्नल विक्रम बत्रा डाइट फॉर आर कंट्री। विक्रम बत्रा का नाम सब लोगों ने सुना ही होगा, 99 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तो विक्रम बत्रा का नाम बहुत ही बाहर आया था, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की थी, तो उन्होंने क्या किया था? दूसरों के बारे में सोचते, मतलब अल्टर ये कहीं से आपसे छूट नहीं रहा है, अल्टर का मतलब होता ही अदर है, ठीक है, दूसरों के बारे में सोचना। वो अपने से पहले किसके बारे में सोचे? दूसरों के बारे में सोचे, कि हमारी देश की जो जनता है वो हमारे ऊपर डिपेंड है, तो हम अपने दुश्मनों को अंदर नहीं जाने देंगे, ठीक है ना, तो वो भी दूसरे के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। हाँ, और हमारा नेक्स्ट वर्ड है अल्टरनेट। यहाँ पे अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, 2 प्लस अल्टरनेट, ये अपने आप में ही वर्ब है, ये ठीक है, अपने आप में वर्ब है। अल्टरनेट मतलब जानते हैं क्या करना, चेंज करना। द रिसेप्शनिस्ट वॉज बिजी टू अल्टरनेट द रूम कीज, वो चेंज करने, मतलब अब यहां पे देखे थोड़ा सा अर्थ बदलेगा, बट अर्थ नहीं बदला है। जैसे यहाँ पे कीज रखी हुई है ना, कीज तो एक के बाद एक लगा रही है, एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, मतलब दूसरा जरूर आ रही है, अदर जरूर आ रहा है, ठीक है ना। आप किसी रिसेप्शन, किसी होटल पे जाओ, सबसे पहले आपको रिसेप्शनिस्ट मिलेगा या मिलेगी, तो से आप अगर आपका रूम बुक है तो वो आपसे उसको चाबी मांगेंगे आप, ठीक है, तो चाबी देगी, तो हो सकता है चाबी इधर उधर खो गई हो, तो वो क्या कर रही है कि वो रूम वाइज चाबी क्या कर रही है, वो लगा रही है, ठीक है ना, एक के बाद एक, दूसरा एक के बाद एक, ठीक है ना। तो अल्टरनेट मतलब क्या हो जाएगा? टू चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेट क्या हो जाएगा? ये अल्टरनेट है एक एडजेक्टिव, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? हैपनिंग इन ऑर्डर, किसी भी चीज का क्रम में होना, किसी भी चीज का क्रम में होना क्या कहलाएगा? वो अल्टरनेट कहलाएगा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, हम पहले फर्स्ट में पढ़ते हैं, फिर सेकंड में पढ़ते हैं, फिर थर्ड में पढ़ते हैं, ये क्रम से होना, मतलब आज हम पहली क्लास में हैं, फिर कल हम दूसरी क्लास में जाएंगे, ठीक है ना, तो वही हो गया दूसरा, फिर तीसरी क्लास में जाएंगे, फिर भी हमने क्लास बदल दिया, तो ठीक है, तो वही जो अदर, मतलब अदर क्लास में जाएंगे। ओके, तो क्या है? अल्टरनेट टाइम पीरियड ऑफ स्कूल मेड हिम टीडियस, तो ये जो बदलते क्रम
क्रम से बदलते हुए जो पीरियड्स हैं ना, ये जो बेल लगते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो ये उस आदमी को बिल्कुल क्या कर दिए, थका दिए हैं। मतलब एक कोई बंदा सुबह से पहले पीरियड से लास्ट पीरियड तक पढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो आदमी थक जाता है। तो एक के बाद एक क्लास ने क्या किया, उसको थका दिया। अल्टरनेट मतलब क्या हो जाएगा, हैपनिंग इन ऑर्डर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आई रिपीट, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, आई एम, देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है अल्टरनेटिव। ये भी एडजेक्टिव है, टी आई भी जहां भी लग जाता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एडजेक्टिव। इसको मैं एक इंडिविजुअल आपको वीडियो दूंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और ट्रस्ट रखिए अपने टीचर पे। तो सेंटेंस यूज द बॉयज विल कम इन अल्टरनेटिव ऑर्डर। बस कोई ऑर्डर दे रहा है, मतलब कोई आदेश दे रहा है, ये ऑर्डर और ये ऑर्डर अलग अलग है। उसमें बोला जा रहा है कि ये जो लड़के हैं ना, ये बिल्कुल लाइन से आएंगे, द बॉयज विल कम इन अल्टरनेटिव ऑर्डर। जितने भी लड़के हैं बाहर खड़े रहो और लाइन लगाओ, और जितने भी लड़के हैं वो सब लाइन से आएंगे, ठीक है ना। लाइन से मतलब अल्टरनेटिव ऑर्डर, मतलब एक के बाद एक आएंगे, अचानक कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, चलो आप आओ अंदर तो आप आगे, चलिए दूसरा आइए, तो इसमें अल्टर मतलब दूसरे का जिक्र हो ही रहा है। ओके ओके, तो हमारा नाइन्थ वर्ड है, क्या है, अल्टरनेशन। अल्टरनेशन मतलब क्या होता है, परिवर्तन, चेंजफुल, परिवर्तन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये जहां पे टी आई ओ एन लग जाता है वो क्या होता है, नाउन। मतलब दुनिया में जितने भी वर्ड हैं, अगर लास्ट में टी आई ओ एन लग गया, टी आई ओ एन सफिक्स लग गया, ओरिजिन फॉर्म में नहीं, इसको मैं बाद में अच्छे से बताऊंगा, बट अभी जान लीजिए कि टी आई ओ एन जहां पे लग गया उसका मतलब क्या होता है, नाउन, और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, चेंजफुल। ओके, आई एम, देखते हैं सेंटेंस यूज। द अल्टरनेशन ऑफ वेदर इज एसेंशियल फॉर बैलेंस्ड एटमोस्फियर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या लिखा है, अल्टरनेशन ऑफ वेदर, ये जो इसका परिवर्तन है, मौसम का जो परिवर्तन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एसेंशियल मतलब जरूरी होता है, फॉर बैलेंस्ड एटमोस्फियर, कि एटमोस्फियर का जो क्या नाम, ये बराबर सा रहे, मतलब ठीक टाइम पे गर्मी हो, ठीक टाइम पे सर्दी हो, और ठीक टाइम पे बरसात हो। अगर ये ना हो, ऋतुएं ना बदले, तब हर चीज क्या हो जाएगी, ये क्या नाम, डैमेज हो सकती है, ठीक है ना। और अट्रैक्शन मतलब क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा रूट वर्ड से थोड़ा सा हट के है, बट उसी से सिमिलर है, हम देख लेते हैं। अट्रैक्शन मतलब क्या हो जाएगा, मीनिंग अ नॉइजी, हेटेड, एंग्री, डिस्प्यूटेड पर्सन। मतलब एक झगड़ालू, एक कर्कश टाइप का, या हम कह सकते हैं तकरार, है ना। तो इस प्रकार का कोई आदमी, इस प्रकार का कोई एक्शन, या इस प्रकार की कोई काम, वो क्या कहलाएगा, वो अट्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, सेंटेंस यूज में देख लेते हैं, ही गॉट इनटू सेवरल अट्रैक्शन विद हिज बॉस। अब उसकी बॉस से लड़ाई होती रहती है, मतलब एक तकरार है, लॉट ऑफ, इस पे लिखा है सेवरल अट्रैक्शन, मतलब बहुत ढेर सारी जो तकरार है, मतलब जो लड़ाई है उसके और उसके बॉस के बीच में आ गई, मतलब वो अपने बॉस से क्या कर रहा है, वो लड़ाई कर रहा है, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन मतलब क्या हो जाएगा, तकरार या लड़ाई झगड़ा, ठीक है। हम रिविजन देख लेते हैं, और ईगो मीन्स क्या हो जाएगा, ईगो मीन्स मतलब होता है आई, ईगो सेंट्रिक मतलब एक कोई ऐसा आदमी जो अपने आप को सेंटर मान के सब अपने आप के बारे में ही बात करे, सोचे, समझे हर एक चीज। इसमें मैं दो वर्ड छोड़ रहा हूं आपके लिए, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। अब इसमें आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा बिलीफ है और कौन सा टॉक करता है, ठीक है ना। ईगो मैनियक मतलब एक ऐसा कोई आदमी जो अपने बारे में सोचता रहे और सोचते सोचते पागल हो जाए, वही क्या है, वो ईगो मैनियक है, ठीक है। एगोमैनिकल भी, ईगोमैनिकल ही इसका क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए, ईगोमैनियक, ईगोमैनियक अगर आप जान गए तो ईगोमैनिकल आप जान जाएंगे कि ये एडजेक्टिव है और ये है एक नाउन। अल्ट्रिज्म, अल्ट्रिज्म मतलब होता है परोपकारिता या परोपकारीवाद, ठीक है ना। और अल्ट्रिस्टिक, जो परोपकारी, जो परोपकार करे, उसी को क्या बोलते हैं हम, अल्ट्रिस्टिक। हमारा सातवां वर्ड है टू अल्टरनेट। टू अल्टरनेट मतलब होता है टू चेंज, बदलना, अल्टरनेटिव इसी का एडजेक्टिव, ठीक है ना। और अट्रैक्शन मतलब भी इसी का नाउन, और अल्टरकेशन, अल्टरकेशन मतलब क्या हो जाएगा, ये झगड़ालू, या हम कह सकते हैं तकरार वाला आदमी, तो ठीक है। तो आई होप कि आपको वर्ड जरूर समझ में आ रहे होंगे, तो बहुत ही पेशेंस के साथ पहली से वीडियो और दूसरी वीडियो देखिए, और अपनी एक नोट्स बनाइए, अपने तरीके से बनाइए, तो बने रहिए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।